नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे कि कन्वेयर मोटर को आप स्टार्ट कर रहे हैं, मोटर स्टार्ट हो रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्यों बंद होता है दोस्तों मोटर, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए, सबसे पहले आप देखें। तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कन्वेयर मोटर के बारे में। कन्वेयर मोटर स्टार्टिंग प्रॉब्लम, यानी कन्वेयर मोटर स्टार्ट हो रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो रहा है, कुछ सेकंड बाद बंद हो रहा है दोस्तों, तो इसे आप कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि सभी इंडस्ट्री में कन्वेयर मोटर रहता है, तो कन्वेयर मोटर स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, उसका क्या क्या रीजन हो सकता है, यानी मोटर स्टार्ट होने के बाद तुरंत बंद हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, पॉसिबल कॉजेस के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है दोस्तों, रन फीडबैक नहीं आ रहा होगा, यानी आप स्टार्ट तो कर रहे हैं, मोटर स्टार्ट हो रहा है, कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, मोटर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन रन फीडबैक नहीं मिल रहा होगा। कंट्रोल रूम में जो स्टार्ट कर रहे होंगे उनको रन फीडबैक दिखाई नहीं दे रहा होगा, रन फीडबैक का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मोटर तुरंत बंद हो रहा होगा। और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो रहा है, यानी जैसे ही आप स्टार्ट कमांड देते हैं कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाना चाहिए, लेकिन कॉन्टैक्टर अगर होल्ड नहीं होगा तो भी एक रीजन हो सकता है, तो उसे भी आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और नंबर 3 कजेस, ये ज़्यादातर आता है दोस्तों कन्वेयर मोटर में, जीरो स्पीड स्विच, ZSS, जीरो स्पीड स्विच अगर काम नहीं कर रहा होगा तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ी देर बाद कन्वेयर मोटर बंद हो जाएगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। नंबर 1 रीजन था रन फीडबैक नहीं आ रहा होगा। ये प्रॉब्लम जो रहता है दोस्तों, ये कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कन्वेयर मोटर हो या चाहे नॉर्मल मोटर हो, LT मोटर हो, HT मोटर हो, सारे मोटर का ये कॉमन प्रॉब्लम रहता है, रन फीडबैक नहीं आ रहा होगा, इसलिए मोटर स्टार्ट हो रहा है तुरंत बंद हो रहा है। तो आपको क्या क्या चेकिंग करना है, सबसे पहले तो रन फीडबैक सर्किट को चेक कीजिए, मॉड्यूल का जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रहता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का TB वहाँ पर चेक कीजिए, रन फीडबैक जा रहा है कि नहीं। पहले तो PLC से एक सप्लाई आएगा, सप्लाई आने के बाद यहाँ से रन फीडबैक जाना चाहिए दोस्तों। अगर मोटर रन फीडबैक कंट्रोल रूम में नहीं दिखा रहा है तो सबसे पहले रन फीडबैक सर्किट को चेक कीजिए, उसके बाद अगर ऑक्जुलरी कॉन्टैक्टर है, रन फीडबैक का ज़्यादातर ऑक्जुलरी कॉन्टैक्टर लगाया जाता है, अगर वो ऑक्जुलरी कॉन्टैक्टर खराब हो गया होगा, उसका NO कॉन्टैक्ट खराब हो गया होगा, NO NC नहीं हो रहा होगा, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप रॉन ऑक्जुलरी कॉन्टैक्टर को चेक कीजिए। उसके बाद और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, PLC का इनपुट फ्यूज, PLC पैनल में इनपुट फ्यूज रहता है, तो अगर वो इनपुट फ्यूज चला गया होगा तो PLC से सप्लाई नहीं आ रहा होगा, PLC से सप्लाई आएगा फिर आपका जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो उसी सप्लाई NO कॉन्टैक्ट के जरिए PLC का इनपुट में जाके लगेगा, तो ये भी एक इशू हो सकता है, PLC इनपुट फ्यूज चला गया होगा, तो आप उसे भी चेक कर लीजिए। ये जो चेकिंग आप कर रहे हैं दोस्तों, हमेशा मल्टीमीटर लेके चेकिंग कीजिए, वोल्टेज को मेजर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर PLC में 24 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, 24 वोल्ट DC का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग हमेशा ट्राई करें मल्टीमीटर लेके वोल्टेज को मेजर करें। उसके बाद दोस्तों, PLC का जो इनपुट मॉड्यूल रहता है, इनपुट कार्ड, इनपुट मॉड्यूल, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आपने चेक कर लिया PLC इनपुट जा रहा है, इनपुट फ्यूज सही है, कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद इनपुट सप्लाई जा रहा है, लेकिन आपका PLC लॉजिक में नहीं दिखा रहा है, तो हो सकता है इनपुट मॉड्यूल में कुछ प्रॉब्लम होगा, इनपुट मॉड्यूल का उसी रिलेटेड बिट खराब हो गया होगा या टोटल इनपुट कार्ड खराब हो गया होगा, तो आपको भी ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, मान लीजिए आप देख लिए कि इनपुट मॉड्यूल में इनपुट बिट हाई दिखा रहा है, रॉन फीडबैक का इनपुट बिट हाई दिखा रहा है, तो उसके बाद आप लोग PLC लॉजिक को चेक करें,
पीएलसी लॉजिक में ये इनपुट बिट क्या यूज हुआ है, एनओ यूज हुआ है या एनसी यूज हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो हो सकता है वहाँ पे एनओ की बजाय एनसी यूज हुआ होगा, तो आपको वहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा। पीएलसी लॉजिक में एनओ को एनसी करना पड़ेगा, आपका लॉजिक का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका लॉजिक जो डिमांड कर रहा है उसी के हिसाब से आपको ये चेक करना पड़ेगा और आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो फॉल्ट है दोस्तों, सारे मोटर का ये कॉमन फॉल्ट रहता है, रॉन फीडबैक नहीं आ रहा होगा तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर टू रीजन हो सकता है पावर कॉन्टैक्टर होल्ड ऑन नहीं हो रहा होगा, यानी जैसे आप लोकल पुश बटन को दबाते हैं, लोकल पुश बटन को, स्टार्ट पुश बटन को एक बार दबाते हैं तो मोटर का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और हमेशा ऑन होके रहता है जब तक आप स्टॉप कमांड नहीं देते हैं या स्टॉप पुश बटन को नहीं दबाते हैं। तो ये कैसे होता है दोस्तों, एक होल्ड ऑन सर्किट रहता है। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, हो सकता है होल्ड ऑन सर्किट में कुछ इश्यू हो, होल्ड ऑन सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो। होल्ड ऑन सर्किट यानी जो पावर कॉन्टैक्टर, वो एनओ कॉन्टैक्ट को चेक कीजिए, एनओ कॉन्टैक्ट से ही ये होल्ड ऑन होता है दोस्तों। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये चेक कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको क्या देखना है दोस्तों, स्पेशली कॉन्वर मोटर का, कॉन्वर मोटर अगर स्टार्ट हो रहा है, तुरंत बंद हो रहा है और आपने फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दोनों चेक कर दिया, कन्फर्म हो गए कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलना है जो कि है जीरो स्पीड स्विच प्रॉब्लम। तो जीरो स्पीड स्विच क्यों लगाया जाता है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जीरो स्पीड स्विच के ऊपर, कैसे आप चेक करेंगे जीरो स्पीड स्विच सही है या खराब हो गया है, आप उस वीडियो को देखें, आपको जीरो स्पीड स्विच के बारे में नॉलेज हो जाएगा। उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाए और उस वीडियो को देखें। तो जीरो स्पीड स्विच काम नहीं कर रहा है तो क्या रीजन हो सकता है जीरो, तो दोस्तों जीरो स्पीड स्विच क्यों लगाया जाता है, कन्वेयर मोटर घूम रहा है कि नहीं, मूविंग हो रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए जीरो स्पीड स्विच लगाया जाता है। तो यहाँ पे दो रीजन हो सकता है जीरो स्पीड स्विच नहीं काम कर रहा है, मतलब हो सकता है कन्वेयर बेल्ट नहीं घूम रहा होगा, दूसरा रीजन हो सकता है जीरो स्पीड स्विच खराब हो गया होगा। तो ये दो पॉइंट को आप कैसे चेक करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट था कन्वेयर मोटर स्लो घूम रहा होगा या बिल्कुल भी नहीं घूम रहा होगा। आप लोकल में जाइए, लोकल में जाके मोटर को स्टार्ट कीजिए, देखिए मोटर तो घूम रहा है लेकिन कन्वेयर बेल्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। तो लोकल में जाके आप देखेंगे, सबसे पहले आप मोटर को देखना पड़ेगा कि मोटर घूम रहा है कि नहीं, मोटर चल रहा है कि नहीं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ज़्यादा लोड आ गया होगा, यानी कन्वेयर के ऊपर अगर ज़्यादा लोड आ जाएगा तो कन्वेयर जो रेटेड स्पीड में घूमना चाहिए उतना स्पीड में नहीं घूम पाएगा, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो ये एक रीजन हो सकता है कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ज़्यादा मटेरियल रह गया होगा, ज़्यादा मटेरियल देंगे तो ज़्यादा वेट की वजह से कन्वेयर बेल्ट उतना आसानी से नहीं घूमेगा, लो स्पीड हो जाएगा दोस्तों। तो लो स्पीड हो गया मतलब जीरो स्पीड ऑपरेट करेगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और एक रीजन हो सकता है, मान लीजिए आपने देखा कि कन्वेयर मोटर घूम रहा है लेकिन बेल्ट नहीं घूम रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है, कन्वेयर मोटर गियरबॉक्स के साथ डीकोपल हो गया होगा। तो ये भी आपको चेक करना है, ये सारे आपको लोकल फिजिकली चेक करना है कि मोटर तो घूम रहा है लेकिन कन्वेयर बेल्ट क्यों नहीं घूम रहा है। तो हो सकता है, और एक रीजन हो सकता है गियरबॉक्स के साथ डीकोपल हो गया होगा। और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए डीकोपल नहीं हुआ है यानी मोटर घूम रहा है, पुली भी घूम रहा है, तो हो सकता है कन्वेयर बेल्ट लूज हो। ये भी बहुत बार होता है दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट लूज हो जाता है तो उसको बीच बीच में कन्वेयर बेल्ट को टाइट करना पड़ता है, जो कि मैकेनिकल वाले टाइट करते हैं। अगर कन्वेयर बेल्ट लूज हो गया होगा तो भी जीरो स्पीड का इशू आएगा, जीरो स्पीड सेंस करेगा कि कन्वेयर बेल्ट नहीं घूम रहा है, तुरंत ही मोटर को बंद करवा देगा। और लास्ट वाला रीजन हो सकता है दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट टूट गया होगा, कन्वेयर बेल्ट कहीं पे लग के टूट गया होगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये सारे रीजन आपको फिजिकली जाके देखना पड़ेगा कि कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है कि नहीं, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ज़्यादा लोड है कि नहीं, कन्वेयर बेल्ट लूज हो गया होगा या कन्वेयर बेल्ट टूट गया होगा। तो ये सारे रीजन कन्वेयर बेल्ट रिलेटेड रहता है दोस्तों।
फिजिकली आपने जाके देखा कि कॉन्वेयर बेल्ट घूम रहा है लेकिन मोटर बंद हो रहा है। तो ये जो इशू है दोस्तों, ये जीरो स्पीड खराब हो सकता है, जीरो स्पीड स्विच खुद खराब हो सकता है। तो इसे आप कैसे चेक करेंगे? तो जीरो स्पीड स्विच में दो यूनिट रहता है, एक रहता है प्रोब या सेंसर, दूसरा वाला पार्ट है मॉनिटर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रोब खराब है या मॉनिटर खराब है। तो कैसे आप चेक करेंगे? सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये चेक करना है कि सेंसर प्रॉपरली सेंस कर रहा है कि नहीं। उसे आप कैसे चेक करेंगे? उस एक स्टील का वायर लीजिए, स्टील हो आयरन पीस लीजिए, उसके सेंसर का सामने उसको घुमाइए। जैसे ही आप सेंसर के सामने उसको रखेंगे, सेंसर का जो रेड इंडिकेशन लैंप वो जलने लगेगा, आप समझ जाएंगे कि सेंसर सही है। अगर कंटिन्यू उसका इंडिकेशन जल रहा है तो समझ लीजिए कि सेंसर खराब हो गया है, तो आपको सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों, मान लीजिए आप सेंसर को चेक किए, सेंसर सही तरीके से सेंस कर रहा है, लेकिन अभी आपको देखना है कि सेंसर प्रोब का डिस्टेंस, सेंसिंग डिस्टेंस वो सही मेंटेन हुआ है कि नहीं। मान लीजिए सेंसिंग बार रहता है, उससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस ये मेंटेन करेगा तो क्या होगा, सेंसर सेंसिंग नहीं कर पाएगा। तो ये भी आपको चेक करना है कि सेंसिंग डिस्टेंस कितना है उसका। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, जो पुली के ऊपर देखिए आप, सेंसिंग बार सब लगे होंगे, आयरन पीस छोटा छोटा सब लगे होंगे। हो सकता है वो जो बार लगा है, बार टूट गया होगा, नहीं तो बार बेंड हो गया होगा, यानी बेंड होने की वजह से सेंसिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो प्रोब सेंस नहीं करेगा, या तो बार टूट गया होगा तो फिर ये सेंसर काम नहीं करेगा। तो ये भी आपको देखना है फिजिकली। ये दोनों को चेक कर लिए, यानी सेंसर अभी आपका सही है और सेंसिंग बार वो भी सही पोजीशन में है, सेंसिंग डिस्टेंस सही है। उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों, अभी आप कन्फर्म हो गए कि आपका सेंसर का कुछ भी इशू नहीं है, अभी इशू हो सकता है मॉनिटर। तो मॉनिटर में आपको क्या चेक करना है? अब मॉनिटर में सबसे पहले देखिए सेंसिंग यूनिट का जो वायर गया है दोस्तों, वायर सही तरीके से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। वहाँ पे देखिए लिखा गया होगा RGB, रेड वाला एक वायर है, ब्लैक वाला एक वायर है और ग्रीन वाला एक वायर है। ये तीनों वायर सही तरीके से कनेक्ट रहना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत लूज होगा तो भी जीरो स्पीड का इशू आएगा दोस्तों। तो ये कनेक्शन को चेक कर ले, और उसके बाद आपको देखना है और एक बार कॉन्वेयर मोटर को चलाइए। कॉन्वेयर मोटर चल गया, बेल्ट घूमना शुरू हो गया, प्रोब सेंसिंग करने लगा। उसके बाद आपको मॉनिटर में एक डिस्प्ले दिखाई देगा जहाँ पे एक इंडिकेशन ऑन ऑफ होता रहेगा, वो वाला इंडिकेशन बताएगा कि प्रोब सही सेंस कर रहा है। उसके बाद आपका जो जीरो स्पीड का रिले वो भी ऑन होगा, उसके लिए एक इंडिकेशन लगाया गया है, वो इंडिकेशन देखिए, वो इंडिकेशन जल रहा है कि नहीं। अगर इंडिकेशन नहीं जल रहा होगा तो समझ लीजिए कि मॉनिटर खराब है, मॉनिटर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मान लीजिए वो जो रिले का इंडिकेशन है, रिले का इंडिकेशन जल रहा है, तो अभी आपको क्या चेक करना है? अभी आपको जीरो स्पीड का जो कॉन्टैक्ट रहता है दोस्तों, NONC कॉन्टैक्ट्स, वो आपको चेक करना है। यानी जैसे ही जीरो स्पीड लाइन में आ जाएगा वो कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा। मान लीजिए आपने लगाया NO पे लगाया है, यानी जब भी ये कॉन्वेयर मोटर चलेगा तो NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा, तो वो कॉन्टैक्ट आपको चेक करना है। अगर कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो रहा है तो जीरो स्पीड सही है, अगर कॉन्टैक्ट चेंज ओवर नहीं हो रहा है तो जीरो स्पीड खराब है दोस्तों, आपको मॉनिटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ खराब है उसे आप रिप्लेस कर दें। अगर आप पाएँ कि प्रोब खराब है तो प्रोब को रिप्लेस कर दें, अगर आप पाएँ कि मॉनिटर खराब है तो मॉनिटर को रिप्लेस कर दें। और एक चीज़ आपको चेक करना है, जो जीरो स्पीड मॉनिटर में जो कॉन्टैक्ट लगा है, कॉन्टैक्ट का सप्लाई को आप चेक कर लें। हो सकता है कॉन्टैक्ट में सप्लाई नहीं आ रहा होगा, तो भी आप मल्टीमीटर लेके चेक कर लीजिए कॉन्टैक्ट में सप्लाई आ रहा है कि नहीं। और कॉन्वेयर मोटर चलने के बाद जीरो स्पीड सेंसर सेंस करने के बाद वो कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो रहा है कि नहीं, सप्लाई NONC हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। तो उसी सप्लाई को आपको चेक करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, कॉन्वेयर मोटर एंड जीरो स्पीड के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा, आप आसानी से ट्रबल शूट कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और देखते रहिए हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।